बातें करता हूँ सिंपल बेसिक वे में, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक मैंने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया, अब मैंने पूछा कि बताओ ये क्या कॉन्टिन्यूअस है, ये क्या कॉन्टिन्यूअस है, तो जवाब क्या आएगा? हमें देखना ये पड़ेगा कि यहाँ पर हर एक x की वैल्यू पे क्या वाई की वैल्यू मिल रही है। मतलब मैं एक्स कुछ पुट करता हूँ तो कुछ वाई में मिल रहा है। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा सिनारियो देखने को मिल रहा है, तभी हम क्या कह सकते हैं कि हाँ ये ग्राफ हमारा कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना, ये ग्राफ हमारा कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस ये टर्म समझाने की मुझे आवश्यकता शायद नहीं है, क्योंकि ये सब लोग जानते हो, यू आर मैच्योर्ड, ओके। तो अब अच्छा देखो ध्यान से, ये तो हो गई हमारी बेसिक सी बातें, कॉन्टिन्यूटी क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, मान लो मैं यहां से अपने यहां से मैं लखनऊ जा रहा हूं, और लखनऊ जा रहा हूं, मैंने कहीं पर रुका नहीं बीच में, तो क्या हुआ, मैं क्या कंटिन्यूअस चला जा रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं रुका ही नहीं कहीं बीच में। लेकिन अगर मैं रुक रुक करके जाऊं वहां तक पहुंचूं, तो उसको क्या कंटिन्यूअस बोलोगे, कहोगे कंटिन्यूअस चाल है? नहीं, तो वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये तो हो गई बातें हमारी, छोटी सी बेसिक सी बातें कंटिन्यूअस। अच्छा देखो कंटिन्यूटी, जैसे मान लो पानी टपक रहा है, ठीक है, तो एक मिनट पे एक बूंद टपकती है, दूसरे मिनट पे दूसरी बूंद अगर टपक रही है, तो अगर यही चलता रहता है लगातार, है ना, लगातार शब्द, उसी को तो हम कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। और अगर कोई चीज़ मान लो अपनी लगातार नहीं होती है, एक मान लो बूंद एक मिनट में टपक रही है, दूसरी बूंद पाँच मिनट में टपक रही है, और तीसरी टपक रही है कोई 0.4 मिनट में, तो फिर क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूअस होगा? नहीं, एक रेगुलर इंटरवल हो, या फिर क्या कह सकते हो, है ना, समझ रहे हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिकली अब हम समझते हैं कंटिन्यूटी क्या होती है, हमको वही काम आएगी। और लेकिन ये बात ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जांपल ओके चलो हम अभी फिजिक्स वाले कंटिन्यूटी पे नहीं जाने वाले, मैं वही समझाना चाह रहा था, बट बाय द वे हम मैथमेटिक्स का पोर्शन खत्म करते हैं। हमने लिमिट्स पढ़ ली थी, हमें लिमिट्स अप्लाई करना आ गया। इवन तुमको मैं बता दूं, एक टॉपिक छूटा नहीं था बेसिकली, लेकिन मैं एक क्वेश्चन करवाना चाह रहा था, वो क्वेश्चन मैं लिमिट्स का सोच रहा हूँ कि करवा देता हूँ, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन लेटेस्ट आए हुए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं वो क्वेश्चन आपको जरूर करवा दूँ। तो मैं 2 मिनट लूँगा उस क्वेश्चन को करवाने के लिए, फिर अपन कॉन्टिन्यूटी पे आ जाएंगे, और फिर कॉन्टिन्यूटी के सारे कॉन्सेप्ट IVT और जितने भी है ना अपना सैंडविच थ्योरम है और बाकी प्रॉपर्टीज हैं, सब करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, हम जा रहे हैं पहला क्वेश्चन लिमिट का कर लेते हैं, फिर कॉन्टिन्यूटी पे आते हैं। एक मैं प्रॉब्लम देता हूँ, ठीक है, आप पॉज करके उसको सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन को देख सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैं 2 स्पेशल क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, स्पेशल क्वेश्चंस ऑन लिमिट्स, ओके। अब अच्छा ध्यान से देखो, स्पेशल क्वेश्चन मैंने लिखवाया है क्योंकि ये स्पेशल टाइप होता है। स्पेशल टाइप का सेंस ये है कि ये क्वेश्चन कुछ खास ट्रिक से होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जैसे हमारा पहला एक क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स रेस टू द पावर एन अपॉन ई रेस टू द पावर एक्स इज इक्वल टू जीरो। सॉरी, ये क्वेश्चन ही नहीं है, ये क्या है, ये क्वेश्चन नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसकी ये ध्यान रखो, इसकी जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है,
अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी और x रेस टू द पावर n अपॉन e रेस टू द पावर x गिवन है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब ये कैसे आया तुमको मैं बता चुका हूँ, ये इसके डेरिवेशन हम नहीं करने वाले इस टाइम पे, क्योंकि हम समझ लो थोड़ा क्या कह सकते हो, हम रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं ज़्यादातर के, ठीक है। तो अच्छा देखो, ये एक होता है एक वैल्यू, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स ln x अपॉन में ई रेस्ट टू द पावर x, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, जीरो के बराबर होती है, ठीक है। ये स्पेशल रिजल्ट्स हैं कुछ, ये रिजल्ट हैं, ठीक है। ये मान लो तुमने सॉल्व किया होगा किसी तरह से, कैसे सॉल्व करोगे, तुम सॉल्व कर सकते हो ना यार, इसको क्या करोगे, इसमें तुम अप्लाई करा दो पहली बात तो, इसमें तुम क्या कर सकते हो, वन मिनट, हाँ तुम इसमें एक काम कर सकते हो कि इसको एक्सपेंड करा दो, ई एक्स को एक्सपेंड करा दो, ठीक है, इसकी सीरीज लगा करके, ओके। और फिर क्या करो, फिर इसमें क्या करोगे, फिर इसमें तुम एल हॉस्पिटल लगा दो, एल हॉस्पिटल लगाने के बाद में ये थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में हो जाएगा, फिर बाद में हम इसको क्या कर सकते हो, तुम एक्स टेंस टू इन्फिनिटी से वाई टेंस टू जीरो बना सकते हो, इसमें चेंज करने के बाद में ये तुम्हारा आराम से हो जाएगा, ठीक है, ओके, वेल गुड, ओके नाइस। चलो ये तो हो गया, अब क्या करना है, मैं प्रॉब्लम एक करवा दूं क्या, हाँ चलो एक अच्छी सी प्रॉब्लम मैं इस पे करवा ही देता हूँ, ताकि तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आए थोड़ा सा। ये रिजल्ट तुम स्क्रीनशॉट कर लेना इसके, जाओ छोड़ के, इफ एल इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एंड सिग्मा आर इज इक्वल टू टू से दो एन आर प्लस वन, बढ़िया क्वेश्चन है, धमाकेदार, इसको ट्राई करो, साइन पाई बाई आर अपॉन वन माइनस आर साइन पाई बाई आर, ओके, देन यू हैव टू फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एल, ठीक है। अच्छा इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज जी आई एफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। अब तुम्हें इसकी वैल्यू बतानी है, किसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एल, बेसिकली तुमको यही एल ही फाइंड करना है, एल जो कुछ आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें निकाल के यहां पर इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है, ये काम करना है इतना सा। तो बेसिकली भैया क्या करोगे इसमें, तुम इसको एक्सपेंड कर दो, सबसे बढ़िया बात यही होती है कि हमको ये पता आना चाहिए, करना आना चाहिए, जहां पर तुमको सिग्मा दिख जाए तुमको क्या करोगे, इस वाले को थोड़ा एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड करते ही करते कुछ ना कुछ तुमको वहां पर मिलने लगेगा, है ना, यहाँ पे कुछ कटता हुआ दिखेगा, और जहां कटता हुआ दिखेगा मतलब दो टर्म्स तुमको मिलेंगे, एक आगे से एक पीछे से, वो मिल गया ना, तो फिर क्या उसमें तुम वैल्यूज पुट करके आराम से आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, डरने की बात ही नहीं है, अब देखो कैसे नहीं डरना है तुमको मैं बताता हूँ, देखो इसको सॉल्व करोगे कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर एल इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर पहले दो है तो यहाँ पर दो पुट करोगे तो यहाँ पर थ्री साइन पाई बाई थ्री ये आएगा, ओके। यहां पर क्या पुट करोगे, दो पुट कर दोगे, टू साइन पाई बाई टू ये आ जाएगा, ये हमारा बेसिकली फर्स्ट टर्म है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। अब सेकेंड वाला देखो टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म इसका हो जाएगा, यहां पर हम थ्री पुट करेंगे, यहां पर थ्री पुट करेंगे तो यहां पे आएगा फोर साइन पाई बाई फोर माइनस थ्री साइन पाई बाई थ्री, ये हमारा बेसिकली सेकेंड टर्म आ गया, ओके। चलो ठीक है, कुछ दिख रहा है क्या,
हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या है, सिमिलर हैं। तो ये क्या है, एक माइनस का एक प्लस का है, ये तो कट जाएगा। चलो अच्छा, आगे के टर्म्स क्या हो सकते हैं वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो लास्ट के मैं दो टर्म लिखता हूँ, मतलब एन माइनस वन पुट करके मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर एन माइनस वन जब आर के प्लेस पे मैं पुट कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा एन साइन पाई बाई एन माइनस एन माइनस वन साइन पाई बाई एन माइनस वन। ये सेकेंड लास्ट टर्म आ गया, ठीक है। और फिर लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, एन प्लस टू आएगा, एन प्लस क्या मैं कर रहा हूँ, हाँ एन पुट करना, तो एन प्लस वन आएगा, सॉरी ओके, एन प्लस वन साइन पाई बाई एन प्लस वन एंड माइनस एन साइन पाई बाई एन, ये आ जाएगा, ये लास्ट टर्म होगा। ओके अब अच्छा देखो, ध्यान से देखोगे तो मिलेगा कि ये इससे कट रहा है, मतलब अच्छी बात है। तो ये वाला इससे आगे से कटेगा है ना, ये भी कट जाएगा, ये वाला इससे देखो कट रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर मिल क्या रहा है, जो मिल रहा है उसको लिख लो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये खत्म नहीं हो रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है। अब मान लो इसकी जो सॉरी जो इसकी लिमिट है वो इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का टू साइन पाई बाई टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू वन होती है, तो यहाँ पे बेसिकली टू बचेगा, हाँ बिल्कुल बचेगा, टू ही तो बचेगा और क्या बचेगा। अच्छा ये भी खत्म होगा ना, यहाँ से नेक्स्ट टर्म जो होगा उसका सेकेंड, उसमें जो सेकेंड वाला पार्ट होगा उससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बचा और फिर यहाँ पर ये बचा, तो लिख लेते हैं दोनों को, प्लस एन प्लस वन साइन पाई बाई एन प्लस वन, ये आ जाएगा। ये दो टर्म हमारे पास बच गए हैं। बताओ भाई, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? तो ये तो तुमको सॉल्व करना आता है ना, ये तो तुमको सॉल्व करना आता है। बेसिकली ये तो एक क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, माइनस टू इज ए कांस्टेंट, ठीक है। ये कितना हो गया, माइनस का टू हो गया, ठीक है, माइनस का टू यहाँ पे पुट कर लो। तो इसको क्या कर सकते हो, इसको बाहर ही निकाल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, अब ध्यान से देखना, एन टेंस टू इन्फिनिटी एन प्लस वन साइन पाई बाई एन प्लस वन, ये बच गया। अब इसको तो सॉल्व करना आता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे पाई बाई एन प्लस वन से, और इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे इससे पाई बाई एन प्लस वन से, ओके। तो ये वाला टर्म तुम्हारा जो होगा, ठीक है, ये वाला टर्म ध्यान से देखना, ये वाला टर्म जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये वन बन जाएगा ना, ओके। और ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो यहाँ बेसिकली पाई बचा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई माइनस टू। दिस इज योर फाइनल आंसर। और हाँ अभी फाइनल नहीं है ये, क्योंकि ये तो एल की वैल्यू है, दिस इज वैल्यू ऑफ एल। तो अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालू, मतलब देखो एल का मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालता हूँ, तो ये 3.14 समथिंग होगा माइनस टू, तो मतलब 1.14 समथिंग आएगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो बेसिकली वन आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या? तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लो और इसको ऐसे क्वेश्चंस का ट्राई किया करो, ऐसे क्वेश्चंस का ट्राई किया करो, एक बार नहीं दो बार, है ना, जब कई बार लगाओगे तो खुद से करने लग जाओगे, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन होते हैं ये, हमारे टेलीस्कोपिक सीरीज जैसा है, ओके ठीक है। अब हम कॉन्टिन्यूटी पे आते हैं, ठीक है, अब हम आते हैं कॉन्टिन्यूटी पे, जो आज की हमारी क्लास है, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे।
ओके चलो आई थिंक वैसे मेरे पास अभी क्वेश्चंस कुछ और थे, बढ़िया से क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं किसी दिन ना कॉन्टिन्यूटी, डिफ्रेंसिबिलिटी और लिमिट, इन तीनों के साइमल्टेनियस एक साथ क्लास लूंगा। उसमें मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, टॉप की दो तीन चार प्रॉब्लम लगाऊंगा, नहीं चार चार प्रॉब्लम, एक चैप्टर की लिमिट की, चार टॉप की प्रॉब्लम कॉन्टिन्यूटी की, और चार प्रॉब्लम डिफ्रेंसिबिलिटी की। दैट विल बी द सेशन दैट तुमको खंगाल के रख देगा, ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे वो, तो उसका वेट करो थोड़ा सा, मुझे जिस दिन मौका मिल गया ना उसी दिन आ जाएगा सेशन। चलो गाइज आते हैं कॉन्टिन्यूटी पे, आते हैं कॉन्टिन्यूटी पे। आई होप आज का लेक्चर धुआंधार होने वाला है। यस चलो अच्छा, कॉन्टिन्यूटी समझते हो ना, कोई फंक्शन समझते हो कि नहीं समझते हो? एफ एक्स मतलब वाई इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है भैया, फंक्शन है तो ठीक है, फंक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं। हेलो ये फंक्शन है, अब हमने क्या किया, एक्स इक्वल टू ए पुट किया, एक्स इक्वल टू ए पुट किया, इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए इफ, अगर कॉन्टिन्यूअस इसे होना है तो इसके लिए कंडीशन होती है, ठीक है। वो कंडीशन क्या है? ए फंक्शन लिख देता हूं, ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए इफ। अब देखो भैया, इसको कॉन्टिन्यूअस का अगर तुमको कॉन्सेप्ट समझना है ना, तो बस इतना समझ में आ जाए, तुम्हारे क्वेश्चन बनना यहां से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ओके। अच्छा देखो, ये कॉन्टिन्यूअस क्यों होगा, कब हो सकता है? तो यहां पर एक रूल होता है LHL, LHL एट x इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल ऑफ एट सॉरी एट x इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए फाइनाइट वैल्यू, ए फाइनाइट वैल्यू ये होना चाहिए, फाइनाइट और रियल ओके। इसको मैं ऐसे भी, ये एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए मतलब ये कंडीशन है हमारी कॉन्टिन्यूअस होने की, ये फाइनाइट और रियल हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। कभी कभी हमको छोटी छोटी बातें पता होती है, हमने क्या पढ़ा होता है, LHL इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, सही बात है। लेकिन थोड़ा सा मैं और ऊपर ले जाऊंगा तुम्हें, थोड़ा सा और ऊपर तुम्हारा ले जाऊंगा, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, ये तो चलो ठीक है, हमको ये मालूम है LHL इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू रियल और फाइनाइट हो जाए वहां पर कॉन्टिन्यूटी होती है। चलो क्वेश्चन लगा के देखते हैं, अब हमारे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। दिस इज द, और तुम्हें हाँ ये निकालना आता होगा, जैसे LHL क्या होता है, LHL जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां पर क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स ये होता है। आर एच एल क्या होता है, आर एच एल होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ, समझ रहे हो ना, ए पॉजिटिव ए। देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये तुम्हारा ए है, ए इज इक्वल टू मान लो फाइव है, ए इज इक्वल टू फाइव है, तो ए माइनस जो ऊपर लगा होता है इसकी इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब 4.9999 समथिंग कुछ होगा है ना, तो इस तरह से हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये माइनस में है, नहीं नो नो ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5.00003 कुछ है ना, इस तरह से हो सकता है, इसका ध्यान रखना जरा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन है ना, प्रॉब्लम्स बढ़िया बढ़िया करेंगे, फ्रैक्शनल फंक्शन है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो मजा आ जाएगा आज तो। ओके मिटाता हूँ, थोड़ा स्पीड पकड़े क्या, चलो स्पीड में करते हैं सेशन, मजा आएगा है ना। ओके ओके चलो फर्स्ट क्वेश्चन करो भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू ए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दिया हुआ है,
अब तुमको बताना है कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इजिकल टू थ्री, एक्स इजिकल टू 3.5। ओके, दो दो निकालने, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एक्स इजिकल टू थ्री, तुमको मैं बता दूं ना कौन कौन से फंक्शन होते हैं जो नॉन कॉन्टिन्यूस होते हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं जो नॉन कॉन्टिन्यूस होते हैं। हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं तुम्हें, ओके जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, ध्यान से देखना इसे, ओके अगर जीरो से वन होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, मैं तुमको ग्राफिकली भी सिखाऊंगा। अगर हम यहां पर देखें तो इसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो से, जीरो पे तो जीरो होती है, जीरो पे जीरो होती है। अब यहां तक क्या होती है, जीरो ही रहती है, लेकिन जैसे वन आता है वन पे वन हो जाती है। फिर दो पर क्या होता है, मान लो यहां पर दो है तो दो पे क्या होगा, यहां पर फिर ये दो हो जाता है, ठीक है। ये हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। तो ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है ना, कहां पर हो रहा है, जहां पर कोई इंटीजर आ जा रहा है, जहां पर इंटीजर आ जा रहा है। तो तुमको ये अगर पता है डायरेक्टली तो तुम क्या कहोगे, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता, बिकॉज यहां पर थ्री जो है वो क्या है, थ्री पे तो यहां पे डिसकंटिन्यूअस है, थ्री पे तो यहां पे डिसकंटिन्यूअस है, ओके। अच्छा, हम एक तो मेथड ये हो गया, एक तो मेथड ये हो गया ग्राफिकल मेथड। सेकंड मेथड क्या है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फाइनाइट होना चाहिए। अब जैसे ये हो जाएगा हमारा, हम कह देंगे कॉन्टिन्यूस है, बट ये हो तब ना, चलो देखते हैं, देखा जाए, ओके। अगर मैं थ्री से थोड़ी सी भी छोटी वैल्यू ले लेता हूं LHL निकालने के लिए, तो यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखना, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री माइनस, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। जैसे मैंने थोड़ी सी भी 2.9999 समथिंग कुछ ले भी ली वैल्यू, तब भी ये टू ही बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया। आरएचएल में देखते हैं तो लिमिट एक्स टेंस टू थ्री प्लस करोगे तो यहां पे थ्री मिलेगा, क्योंकि थ्री से थोड़ा सा बड़ा अगर होगा तो हमको थ्री देगा, ओके। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये आपस में इक्वल ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, जो कि हमें ग्राफ से भी पता चल रहा है, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ओके, चलो ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इस पे देख लेते हैं, तो इस पे ध्यान से देखोगे तो कहीं यहां पर आएगी वैल्यू, और जब यहां पे आएगी तो यहां पे तो भैया कॉन्टिन्यूस चल रहा है, या LHL RHL जो कुछ निकालोगे सब कुछ मिलेगा, क्योंकि 3.5 दिया हुआ है तो 3.4999 समथिंग कुछ ले सकते हो तुम। ये LHL के लिए लोगे, ये RHL के लिए लोगे, 5.0001 कुछ ऐसा लोगे, तो क्या हो जाएगा, ये भी थ्री देगा, ये भी थ्री देगा, ठीक है। तो जब थ्री थ्री दोनों आ रहे हैं, LHL RHL, और एक हमें फाइनाइट वैल्यू भी मिल रही है, देन व्हाट इट सेज, क्या कहता है ये, ये कहता यही है कि भैया फंक्शन तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस होने वाला है, समझ में आया ना क्या कॉन्सेप्ट होता है कॉन्टिन्यूटी का, और ये ग्राफ भी समझ में आई है क्या होगा। लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्टिन्यूटी। अब हम करेंगे थोड़ा एडवांस के क्वेश्चन, ओके। ओके, हम इसको रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत बड़ा सेशन इसको नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर सिखाऊंगा, बताऊंगा तुम्हें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उन्हीं को कर लोगे तुम्हारा मेंस का क्वेश्चन यूं हो जाएगा, समझ रहे हो ना। कैलकुलस बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, बनेगी, उसे बनना पड़ेगा। अगर नहीं बनी ना, तो
तो हम फिर लंबे सेशन करने लग जाएंगे। लेकिन इसी से बनेगा, तुम बनाओगे, ट्राई करोगे, बनेगा। ओके, चलो हम अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, मैं एक तुमको क्वेश्चन और करा देता हूँ, क्वेश्चन एक करा देता हूँ। मान के चलो एक एग्जांपल, ठीक है। तो देखो, यहां से मान लो ये कुछ ग्राफ दिया है, यहाँ पे ऐसे मान के चलो, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मान के चलो तुम्हारा 1 है, यहाँ पे 2 है, ओके, ये 2 है, ये 1 है। अच्छा क्वेश्चन है, सब लोगों को करना है, अगर नहीं किए तो भैया मार पड़ेगी तुम्हें। ये 3 है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, मैं बता क्यों रहा हूँ, तुम्हें भी पता करना है। ये यहाँ पे 4 है, ओके, हाँ ये, ओके, ध्यान से देखना। ये मान लो एक स्केल से ग्राफ नहीं बना है, तो इससे मत जाना, वैल्यूज पे जाना, मैंने इसीलिए वैल्यूज लिखती है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, यहाँ पे 0 पे 0 है। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, चलो बिल्कुल सही है। अब देखो क्वेश्चन ये तुम्हारा है, तुमको पता करना है कॉन्टिन्यूटी। मैं लिख देता हूं, चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इजिक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। तुम समझ रहे होगे कि 5 पे कॉन्टिन्यूटी तो पूछ दी है, लेकिन ये तो टर्मिनल पॉइंट है, ये तो एक टर्मिनल पॉइंट है, हम कैसे निकालेंगे 5 पे कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि आगे तो ग्राफ हमारा एंड हो रहा है। 0 पे हम कैसे निकालेंगे, मान लो मैंने 0 पे भी पुट कर दिया, मतलब मैंने 0 पे भी तुमसे पूछ लिया, अब क्या करोगे, 0 पे कैसे निकालोगे। चलो ये तो हम निकाल लेंगे, किसी तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसका क्या करेंगे भाई, 5 का, 0 का। तो मैं एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं अभी, लेकिन मैं अभी बता देता हूं, इस क्वेश्चन को करने से पहले बता देता हूं। देखो जब कोई, जैसे मान लो अगर इस तरह की वैल्यू है, इस तरह की वैल्यू कोई है, मान लो कुछ की वैल्यू है, अगर मुझे 0 पे या 3 पे जब कॉन्टिन्यूटी चेक करनी हो, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तब वहां पर हम LHL इजिक्वल टू RHL इजिक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, इजिक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, ये हम नहीं ढूंढते, मतलब वहां पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल जाता है। इस वाले पे लगेगा हमारा RHL, ठीक है, यहाँ पे हम निकालेंगे RHL, क्योंकि LHL तो हम निकाल ही नहीं सकते ना, क्योंकि इसके बाद तो कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही है, एग्जैक्ट 0 मिल रहा है, एग्जैक्ट 0 से थोड़ा सा कम अगर मैं ढूंढ रहा हूं, तो एक्स की वैल्यू नहीं तो वाई की कहां से निकालोगे, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं यहां पर केवल केवल और केवल RHL निकालूंगा, इसको चेक करूंगा कि क्या फाइनाइट गिवन है, कोई फाइनाइट वैल्यू है। ये तो हमारा हो गया लेफ्ट, क्या कर सकते हो, एक रेंज का जो लेफ्ट पार्ट है उसको निकालने का। अगर हम रेंज की जो मैक्सिमम वैल्यू पे निकालना चाहें, तो वहां पे हम तब निकालेंगे इसके लिए LHL और चेक करेंगे कि क्या फाइनाइट है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, समझ लो। अब 5 पे हम देखेंगे कि हमको 5 पे क्या वैल्यू मिल रही है, और 5 क्या हम LHL निकाल रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो अगर वो फाइनाइट मिल रही है, फाइनाइट मिल रही है, या फिर अप्रोक्स है ना, लगभग एफ ऑफ 5 की वैल्यू के इक्वल आ रही है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि हाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और ये कॉन्टिन्यूअस है। तो ठीक है, अब तुम निकाल सकते हो, ये तुम्हें पता होना चाहिए, इतना कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
समझ रहे हो ना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनसे बड़े बड़े पहाड़ जैसे क्वेश्चन बना देते हैं। तो इसलिए मैं जितना बताता जाऊं सब तुम्हें करना है, समझ रहे हो, बिना इस पे दिमाग चलाए, इस पे दिमाग लगाओ, ठीक है। ओके, इसको मिटा देता हूं, तब करते हैं। देखो ध्यान से, मैं इसको जस्ट एक मिनट में खत्म करके आगे बढ़ता हूं। तो जीरो पे देख लेते हैं जरा। तुम ऐसे क्वेश्चन देखते देखते कर सकते हो, तुम्हें ज्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्राफ से कर सकते हो। ग्राफ पे तुमको खुद ही दिख रहा है इधर का कॉन्टिन्यूअस बिल्कुल है ना, जैसे कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है, तुमको कुछ देखना नहीं है, इधर तो कुछ निकालना ही नहीं है, हमें निकालना क्या है इसमें, आरएचएल निकालना है और एक फाइनाइट वैल्यू। तो हाँ, हमको दिख रहा है कि जीरो पे तो जीरो है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट, सॉरी हाँ, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जीरो पे। वन पे देखो, वन पे तुम्हारा जो एलएचएल है, वन पे तुम्हारा एक्स इज इक्वल टू वन पे तुम्हारा जो एलएचएल निकल रहा है वो तुम्हारा निकल रहा है कितना, टू, टू आ रहा है ना, हाँ टू आ रहा है। वन पे तुम्हारा जो आरएचएल है, या फिर कह सकते हो एफ ऑफ वन जो निकल रहा है वो वन है, और आरएचएल जो है तुम्हारा वो भी तुम्हारा वन है। तो क्या यह कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। अब टू पे चेक करो, टू पे देखो, यहां पे एफ ऑफ टू कितना है, जीरो है, एलएचएल कितना है, ये भी जीरो है, आरएचएल कितना है, ये भी जीरो है, सब क्या फाइनाइट है, हाँ बिल्कुल है। ओके, समझ रहे हो ना किस तरह से करना है। फोर पे आ जाओ, सॉरी थ्री पे आ जाओ, तो थ्री पे देखोगे तो एफ ऑफ थ्री जो है वो जीरो है, एलएचएल जो है वो माइनस वन है, यहाँ पे माइनस वन लिख लो, आरएचएल जो है वो भी माइनस वन है, तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, अबे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इसके इक्वल कहाँ है ना, ये नहीं है। तो अब अच्छा फोर पे देखो, एक्स इज इक्वल टू फोर पे, तो एलएचएल कितना है, एलएचएल जीरो है, आरएचएल कितना है, ये भी जीरो है, एफ ऑफ फोर कितना है, ये भी जीरो है, सब तो जीरो है, फाइनाइट भी है, इस पे कॉन्टिन्यूअस है। फाइव पे देख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू फाइव पे देखो, तो एफ ऑफ फाइव कितना है, एफ ऑफ फाइव टू है, और एलएचएल देखो, तो एलएचएल जब निकालोगे तो इधर की वैल्यू निकल आएगी वो कितना है, लगभग टू ही है, ये दोनों फाइनाइट है, हाँ फाइनाइट है, ये भी कितना है, कॉन्टिन्यूअस है। क्या समझे बंधु, आ गया ना, ओके तो दैट्स फाइन, लेट मी चेक द वीडियोस गोइंग ऑन और नॉट। ओके गजब, बिल्कुल मस्त वीडियो बन रही है और मजा आएगा आपको पूरा लेक्चर करना, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अभी 30 मिनट्स अप्रॉक्स हो चुके हैं, आई थिंक 34 मिनट्स। सो गाइज, लेट्स सी द अनदर कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था, ग्राफिकल है थोड़ा सा, तो हम चीजों को ग्राफिकल अप्रोचेस भी लगा सकते हैं। जैसे तुमको मैं बता दूं, कंटिन्यूटी के लिए तुमको मिनिमम 4-6 टाइप के ग्राफ आने चाहिए, जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल वाला फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, तो इस तरह के फंक्शन आपको आने चाहिए, ये मैंडेटरी है अपने आप में, ये मैंडेटरी है, ठीक है। ग्राफ के लिए अप्रोच करोगे जल्दी जल्दी से क्वेश्चन हो पाएंगे, और ग्राफ बनाना तुम्हें आना चाहिए। मैं बता दूं, मैं एक ग्राफ कन्वर्जन का सेशन लूंगा, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन, 2 घंटे का सेशन होगा, मजा आ जाएगा उसमें। मैं ट्रिग्नोमेट्री है ना सब कुछ बताऊंगा यार, अगर 5x कर दूं तो क्या होगा, 3x कर दूं तो क्या होगा, x/2 कर दूं, x/4 कर दूं तो क्या होगा, है ना, x-4 कर दूं, x+4 कर दूं तो ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे, ऊपर बढ़ेगा, नीचे बढ़ेगा, स्क्वीज होगा, फैलेगा, है ना, किस किस तरह से, सब चीज़ें मैं समझाऊंगा, डोंट वरी मैन, ओके, यू आर विद सौरभ भैया, ओके, सो नो टेंशन ऑफ मैथमेटिक्स। चलो देखते हैं, फिलहाल हो सकता है कभी फिजिक्स के भी लेक्चर अपलोड करूं, मजा आएगा। चलो अच्छा देखो,
अच्छा एक क्वेश्चन तुम्हें करना है, एक प्रॉब्लम तुम्हें मैं दे रहा हूँ, करना है तुमको। 5-10 मिनट देंगे उस पर, सॉरी 5-6 मिनट देंगे। और हाँ बढ़िया क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं, जेई में, जेई मेंस में और एडवांस में भी अप्रोक्सीमेटली आते हैं, ठीक है? ओके, एडवांस में तुमको जो आता है वो मैं बता दूंगा, ठीक है? लास्ट में और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, जो मैंने कल लेक्चर अपलोड किया था, मतलब पहले वाले लिमिट का, उस पर अप्रॉक्स 700 से ज़्यादा लोगों ने उसको वॉच कर लिया है। दैट इज़ वेरी नाइस थिंग एक्चुअली, आई एम सीइंग। तो एक क्वेश्चन अच्छा करना है तुम्हें, fx इज इक्वल टू गिवेन है 1 AX^1 x when x is less than 0। ध्यान से समझना, ये ग्राफ अलग अलग टाइप का है। ओके, बी है जब x इज इक्वल टू 0 है, x प्लस C^(1/3 - 1/x) जब x इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब ग्राफ हर जगह चेंज हो रहा है। पहले ये ग्राफ कुछ चल रहा था, फिर ये है, फिर ये है। अब तुमको बताना क्या है, हाँ, और बोला क्या गया है यहाँ पर, fx is continuous at x is equal to 0, then find a value of a, b and c, then ऐसा लिख लो, then a, what will be the a, b, c, इनकी वैल्यू पता करना है। तो मैं तुमको कहूंगा 2 मिनट का पॉज ले लो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पढ़ो, समझो, और क्या करना है, लगाओ, सॉल्व करो, फिर इस सॉल्यूशन को देखना। इसको तुमने बता दिया कि कॉन्टिन्यूअस है, तो जब कॉन्टिन्यूअस बोला गया है तो क्या मतलब है, LHL = RHL = क्या कर सकते हो, f(0), ये होगा ऑब्वियसली, ये होना पड़ेगा अगर कॉन्टिन्यूअस है तो, ठीक है? तो सिंपल सी बातें क्या हैं, ध्यान से देखो। तो मैं क्या करूंगा, बेसिक मेथड तो यही कहता है मैं LHL निकाल लूं, LHL निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, लिमिट x→0 - 1 AX (1/x) ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कैसा आएगा, कैसे आएगा बताओ भाई, ओके। अच्छा तुमने जो लिमिट पढ़ाया था ना मैंने, तो उसमें एक फॉर्म दिया था 1 FX^GX, ये था लिमिट x→0 दिया होता था, तब लगाते थे, तो इसमें क्या होता था, e^FX.GX ये होता था। ध्यान आया ना, ओके ध्यान आ गया होगा, ये वाला यहाँ पे लगेगा फार्मूला, क्योंकि ये लिमिट कुछ इस तरह से है 1 0 ∞, ये आ रहा है, मतलब ये कौन सा फॉर्म है, 1 ∞ का फॉर्म दिख रहा है क्या, हाँ भाई दिख रहा है, ओके दिख रहा हो तो फिर लगा दो ये वाला कॉन्सेप्ट, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से लिखा रहने देता हूं यार, 1 ∞। तो देखो ध्यान से, ये वाला लगा दो कॉन्सेप्ट, तो यहां पर e^AX.1/x आएगा, तो यहां पर e^X बचेगा, ठीक है? ओके, ये तो हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया LHL, ये तो LHL हो गया। अब RHL भी तो निकालना पड़ेगा ना, RHL निकालो, तो लिमिट x→0 प्लस, अब क्या दिया हुआ है, जो हमारा फंक्शन है f(x + c)^(1/3 - 1/x) ये गिवन है, ओके। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो सिंपल सी बात है, इसमें तुम पहले तो देखो, लिमिट सॉल्व करने का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो तो ये कहता है कि तुम पहले 0 की वैल्यू पुट करके तो देखो क्या फॉर्म बन रही है,
इसको करोगे तो सी रेस्ट टू द पावर 1/3 माइनस 1/0 कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। मतलब यहां पे अब हाँ ठीक है, ये आ गया, ये तुम्हारा आ गया कुछ। अब ध्यान से देखना भाई, यहां पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये वाला टर्म होगा इसको भी जीरो बनना पड़ेगा, इसको भी जीरो बनना पड़ेगा, तब तो एग्जिस्ट कर सकता है यार, तब तो एग्जिस्ट करेगा। तो इसको जीरो बनाओ, 1/3 = 1 कर दो तो C = 1 आएगा क्या, बोलो भाई C = 1 आ जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा RHL हो गया। अच्छा ये f(0) तो हमें गिवेन है ना, ये तो b के इक्वल है। अब हमें हमको एक वैल्यू ये तो पता है, अब इसी से हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो अब यहां से गौर करके देखोगे, एक मिनट, ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। हमने देखा कि ये कुछ ऐसा बन रहा था जब पुट किया, लेकिन इसको मैं कैसे करूंगा, इसको मैं एल हॉस्पिटल से कर लेता हूँ यार, एल हॉस्पिटल से करूंगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। हाँ तुम्हें भी दिख रहा होगा ये 1 हो जाएगा, नीचे वाला तो 1 हो गया। इसको करोगे तो 1/3x + c, ओके यही आ गया, और यहाँ पे लिमिट लगा दोगे x → 0 पुट कर दो, 0+, तो यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे 1/3 c आएगा। अब देख ध्यान से देखना, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि e^a = b = 1/3 c, ये आएगा, इससे कंपेयर करके हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब एक मिनट, यहाँ पे हमने c = 1 निकाला था ना, अगर हमको लिमिट एग्जिस्ट करानी थी। हाँ मैं क्या करूं, वही कॉन्सेप्ट में फिर से यूज कर रहा हूँ। c = 1 निकला था, जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो मैं क्या करूंगा, c की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा हमारा RHL जो होगा, c की वैल्यू तो 1 ही आएगी, लेकिन RHL जो होगा 1/3 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे 1 पुट कर दोगे तो 1/3 आ गया, तो b = basically 1/3 आ जाएगा। a की वैल्यू हमें निकालनी है, c की वैल्यू हमने निकाली ना 1 आएगी, b की निकाल ली 1/3 आएगी। अब a की निकालना है तो क्या हो जाएगा, लॉन ले लो ना, लॉन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा a आ जाएगा और इधर लॉग लोगे तो 1/3 आ जाएगा, a की वैल्यू ln 1/3 आ जाएगा। अब इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो -ln 3। तो आई होप अच्छा क्वेश्चन था, तुम्हें भी बढ़िया लगा होगा और आपके कॉन्सेप्ट भी कुछ हद तक क्लियर हो गए होंगे, ओके। अब मैं तुमको कुछ मस्त चीजें बताने वाला हूँ। व्हाट इज द मस्त चीजें? अब हम आते हैं थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे। थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी में काफी कमाल की चीजें हैं, क्वेश्चन को देख कर ही बता पाओगे कि भैया ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तुमको अगर कोई बड़ा सा फंक्शन दे दिया गया, मान लो एक फंक्शन ये गिवन है, प्लस माइनस करके कुछ और भी फंक्शन दे दिए गए, प्रोडक्ट के फंक्शन दे दिए गए, और तुम उसको सॉल्व कहां तक करोगे, लिमिट लगा लगा के परेशान हो जाओगे और बाकी बच्चे आगे बढ़ जाएंगे, है ना, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं तुमको थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी सिखाने जा रहा हूं, ताकि तुम्हारा क्वेश्चन आंखों से देखते देखते हो जाए, ओके, रेडी हो जाओ। तो अब ध्यान से देखना, जो मैं नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं उस पर फोकस करो। उम्मीद है कि जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं वो तुम लोग कर भी रहे होगे और समझ भी रहे होगे। देखना ध्यान से, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं। थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी, देखो थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी में क्या है, अब मैं फर्स्ट केस लेता हूं, केस फर्स्ट। तो यहां पर क्या है, अगर मान लो दो फंक्शन है, एफ
ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ये दो फंक्शन है, किसी भी एक वैल्यू पे एट एक्स इजिकल टू ए पे, मान लो एट एक्स इजिकल टू ए पे, और ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। ये क्या है फंक्शन? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, बोथ आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। ये अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो ध्यान रखना एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ये भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स इजिकल टू ए पे। अच्छा दूसरा ध्यान से देखना, इसी तरह से एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इजिकल टू ए। तो ये बातें ध्यान रखना, और हाँ ये भी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स ये भी क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इजिकल टू ए पे। तो ये तीन चीज ध्यान रखना, डिवाइड में होगा कह नहीं सकते क्यों कॉन्टिन्यूअस होगा नहीं होगा, ओके। तो ये फर्स्ट केस है हमारा, इसको स्क्रीनशॉट कर लो और लिख लेना नोट्स में अपने, ओके। सेकंड केस देखो, थोड़ा बुलेट ट्रेन की स्पीड से हमें चलना पड़ेगा। केस टू, केस टू में देखो क्या है। अगर मान लो एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स जो है एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एट एक्स इजिकल टू ए, एक दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये क्या है? एक डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, एक डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एट एक्स इजिकल टू ए पे। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जो फर्स्ट आता है इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, ये क्या होता है? डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। अच्छा ध्यान से देखना, ये तुमको मैं बता रहा हूं, इसको अप्लाई भी करना है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स है प्लस कॉस एक्स है, तो ये क्या है? ये क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? ये कॉन्टिन्यूअस होगा ना यार ये कॉन्टिन्यूअस होगा ना, बिकॉज साइन और कॉस दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। जब दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जुड़ेंगे तो क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस ही होगा, ओके। ये तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब अच्छा, एक कॉन्टिन्यूअस एक डिसकॉन्टिन्यूअस, जैसे साइन ऑफ एक्स प्लस, मैं प्लस माइनस कर दूं कुछ भी, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ला रहा हूं तो ये तो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, तो क्या मिलेगा हमें? हमें डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन मिलेगा। इसका मैंने एग्जाम्पल मान लो लिख दिया, ठीक है, ओके, यस फाइन। अब अच्छा देखो, ये तो चलो ठीक है, प्रोडक्ट में देखते हैं। अब मैं प्रोडक्ट में देखता हूं, ओके, मैं प्रोडक्ट में देखता हूं, तो एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, इसके लिए दो केसेस इसमें भी बनते हैं, क्योंकि कहा नहीं जा सकता। अगर मान लो एक फंक्शन कोई, सॉरी हाँ, एक फंक्शन कोई भी जीरो हो गया, एक फंक्शन जीरो हो गया, अब इफ एफ ऑफ ए इजिकल टू जीरो बन गया, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बनेगा, मतलब ये वाला फंक्शन पूरा जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस, अगर एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो देन फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। इतनी बात मुझे लगता है आराम से समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस। एग्जाम्पल देखना चाहो तो लिख सकते हो, मान लो ये साइन एक्स है, ये तुम्हारा, ठीक है। अब कहो जीरो पे ये कैसे हो जाएगा? देख, ये भी देख लो, अगर मैं इसको क्या करूं, जीरो बनाऊं, ठीक है, तो अगर मैं एक्स को जीरो पुट कर देता हूं तो ये जीरो हो जाएगा, हो जाएगा ना जीरो, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की भी जीरो आती वैल्यू और इसकी भी जीरो आती, ओके, ठीक है। साइन का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है? लेकिन हम इसको कैसे अप्लाई कर पाएंगे, उसकी काफी अलग वैल्यूज होंगी, ये ऐसे होगा यहाँ तक, लेकिन इसका प्रोडक्ट मुझे कराना पड़ेगा। देखो इसका जो आर एच एल होगा वो तो जीरो ही जाएगा ना, वो तो जीरो ही जाने वाला है, और जो
एलएचएल होगा वो देखो, तो वो माइनस का वन चला जाएगा इसमें, तो इसमें माइनस का कुछ आएगा, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस हो सकेगा क्या? हाँ हो तो जाएगा, हो जाएगा ठीक है। चलो भाई अब थर्ड केस पे आते हैं। जो हमारा थर्ड केस है वो क्या कहता है? अब हमारा जो थर्ड केस है वो क्या कहता है? केस नंबर थ्री, अगर तो अगर इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर बोथ डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ओके, एट एक्स इक्वल टू ए मान लो एक कोई वैल्यू है, तो ध्यान से देखना जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट आएगा f ऑफ x प्लस जी ऑफ x, तो इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, इसकी कॉन्टिन्यूटी कांट से अबाउट कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड वाला देखो रिजल्ट क्या है हमारा, f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, इसको भी कुछ नहीं बोल सकते ठीक है। अगर प्रोडक्ट में कर देता हूं तो भी मैं कुछ भी नहीं बोल सकता यार दोनों के दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस हैं, तो मिलके क्या बनाने वाले हैं, कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, कोई क्लैरिटी नहीं है। हो भी सकता है कभी कभी कुछ सिचुएशन कोई एग्जैक्ट मान लो इसका एग्जैक्ट नहीं बोला जा सकता ठीक है। अच्छा अब मैं एक तगड़ा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, मतलब क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, फिर हम आएंगे कॉन्टिन्यूटी इन द इंटरवल, इन एन इंटरवल। तो देखो अच्छा अगला जो कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान दो थोड़ा सा। कॉन्सेप्ट से पहले मैं दो क्वेश्चन कराना चाहूंगा इसी पर ओके, इसी पे मैं दो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो जो दो क्वेश्चन है वो देखो ध्यान से, एग्जाम्पल बेसिकली वन, फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन। देखो ये क्वेश्चन मैं तुमको पहले देता तो तुमको बहुत टफ लग सकते थे, क्योंकि इसको सॉल्व करना ना हालत खराब करने जैसा है, हालत खराब ही हो जाएगी, लेकिन इससे क्या होगा तुम आराम से कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें मैंने थ्योरी और कॉन्टिन्यूटी समझा दी है। अब तुमको कॉन्टिन्यूटी चेक करना है इसमें, अब तुम्हें इसमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना है तो क्या करोगे भाई? देखो ध्यान से, ये क्या तुमको कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है? हाँ भाई ये तो कॉन्टिन्यूअस होता है, ये तो हमारा मॉड्यूलस का ग्राफ है और मॉड्यूलस का ग्राफ तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है ठीक है। अच्छा ये भी क्या, ये भी तो हमारा, ये भी क्या है, ये भी तो मॉड्यूलस ही है, इसमें कुछ भी जो वैल्यू आएगी उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। और हाँ पहली बात तो तुमको मैं बताता हूँ, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ समझते हो ना ऐसे बनता है पैराबोलिक ओके। इसका मॉड करोगे तो क्या हो जाएगा, जो पैराबोला उल्टा बना है वो सीधा बन जाएगा और क्या होगा? हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है जी, बात सही बात है कि नहीं भाई बात है। एक मिनट लेट मी चेक हियर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मॉड्यूलस लेता हूं तो क्या होता है, अगर मैं मॉड्यूलस लेता हूं तो क्या होता है, क्या फर्क क्या पड़ता है? अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जब मैं मॉड ले लूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये ग्राफ एक बना है क्वाड्रेटिक, अगर मैं इसका मॉड ले लूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं मॉड ले लूं तो y की सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी, हाँ तो बस यही हो जाएगा, लेकिन कॉन्टिन्यूटी तो चेंज थोड़ी ना होगी। हमको पता है ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ होता है, ग्राफ बनता है, ये तो कॉन्टिन्यूअस है। मॉड्यूलस लगा दोगे तो क्या होगा, जो y की वैल्यूज नेगेटिव अगर आ रही होंगी बाई चांस तो फिर वो क्या हो जाएंगे, सबके सब पॉजिटिव हो जाएंगे, दैट्स इट ओके। समझे क्या? सेकेंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट करो
जोश आ जाना चाहिए। क्या कौन सा वो एक मूवी थी कोई, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स का मॉड प्लस कॉस ऑफ एक्स का मॉड प्लस टेन ऑफ एक्स का मॉड एट। ये क्वेश्चन है दमदार, ये क्वेश्चन है दमदार। अगर मैं इस पे पूछता हूं चेक कॉन्टिन्यूटी, चेक कॉन्टिन्यूटी, चेक कॉन्टिन्यूटी, तो भैया इसमें तमाम बच्चे फंस जाते, मतलब फंसते नहीं वैसे, क्योंकि क्या कहते हैं ये कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है ना, डिसकॉन्टिन्यूअस है। ओके ये तो हो जाता, गंदा लिख रहा हूं मैं, ये होता डिसकॉन्टिन्यूअस। लेकिन अब मैंने ये क्या होता, फिर क्या हो जाता, ये हमारा फंक्शन पूरा क्या, पूरा क्या हो जाता, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता। पढ़ा नहीं था कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस क्या होता, ये दोनों बन जाएंगे कॉन्टिन्यूअस, ये हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस, पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस। ओके लेकिन ये तो पूरे मैंने ग्राफ के लिए देखा है, ओवरऑल के लिए मैं बात कर रहा हूं, तब ये हो जाता है डिसकॉन्टिन्यूअस। लेकिन अब केस यहां पर ये दे दिया गया है, केस यहां पे ये दे दिया गया है कि तुमको कॉन्टिन्यूटी तो इसमें चेक करना है, तुमको कॉन्टिन्यूटी तो इसमें चेक करना है, लेकिन x इज इक्वल टू 3π/4 इस पे चेक करना है। तो इस पे तो tan कुछ ना कुछ वैल्यू देता है ना, tan क्या देता है, tan 3π/4 इस पे वैल्यू निकालो क्या हो जाएगी, tan का ग्राफ क्या होता है ऐसे बनता है ना, ये तुम्हारा क्या होता है 90 डिग्री। ये हो गया, तो कुछ यहां पे आएगी वैल्यू 3π/4 मतलब माइनस का 1 आएगी शायद, माइनस का 1 आएगा। तो यहां पर तो कॉन्टिन्यूअस है ना, ये ग्राफ बन रहा है यहां पर देखो कॉन्टिन्यूअस जा रहा है, ओके ये तो कॉन्टिन्यूअस है, तो यहां पर इसके लिए क्या हो जाएगा ये कॉन्टिन्यूअस। तीनों को ऐड कर दो, इसको ऐड करो कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस, क्या मिलेगा कॉन्टिन्यूअस। समझे क्या, अब ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, तो ये अब कॉन्टिन्यूअस के पोजिशन पे है, समझ में आ रहा है ना। ओके दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। ओके ओ माय गॉड, अबाउट 1 आवर हैज बीन कंप्लीटेड। थोड़ी लेंदी हो गई वीडियो, बट कोई नहीं यार, एक्चुअली मैं तुमको बता दूं ना कॉन्टिन्यूटी एट द इंटरवल, समझा देता हूँ हाउ इट वर्क्स। अगर मान लो इंटरवल में निकालना है, तो हम पूरे इंटरवल में क्या करते हैं, निकालने के लिए LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू ढूंढते हैं, समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं वहीं पे बाउंड्री पॉइंट्स पे अगर कॉन्टिन्यूटी निकालूं, तो क्या करेंगे, अगर तुम्हारी मिनिमम जो रेंज है ठीक है, उस पर अगर मैं निकालता हूँ, तो मिनिमम रेंज नहीं सॉरी डोमेन पे ठीक है, तो जो डोमेन का स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर अगर निकालेंगे, तो हमको RHL लेना पड़ता है, और उसको मैं देखता हूँ कि ये फाइनाइट वैल्यू जो f ऑफ a कुछ ले लोगे तो उसके इक्वल होना चाहिए ठीक है, एक फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए। अच्छा अब अगर मैं डोमेन का जो सबसे लास्ट का पॉइंट है उस पे अगर उस लास्ट के टर्मिनल पॉइंट पे अगर हम कॉन्टिन्यूटी देख रहे हैं, तो वहां पे हमको LHL पता करना पड़ेगा। LHL निकालेंगे, मैं समझा देता हूँ देखो ध्यान से, अगर मान लो a प्लस बी इस पे निकालना है ठीक है, इस पे कॉन्टिन्यूटी निकालना है ओके, तो बेसिकली मैं समझा ही देता हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। ये कॉन्सेप्ट हमारा है कॉन्टिन्यूटी एट इन एन इंटरवल, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। बेसिकली इसमें भी दो कॉन्सेप्ट हैं,
इन एक्स इज इक्वल टू इफ एक्स बिलोंग टू दिस इंटरवल, और दूसरा क्या है इन एक्स बिलोंग्स टू इन क्लोज्ड इंटरवल, ये समझते हो ना। क्लोज्ड में क्या होता है, ये भी वैल्यूज इंक्लूडेड होती हैं, इसमें एक्सक्लूडेड होती हैं, ठीक है। इसमें इसको कॉन्टिन्यूअस तब हम बोल सकते हैं जब एफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x, समझ रहे हो ना। अगर जो एफ एक्स हमारा है ये अगर हर एक x की वैल्यू पे कॉन्टिन्यूस आ रहा है तभी हम बोलेंगे कि पूरा फंक्शन, मतलब इस इंटरवल में पूरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। ओके ये तो हो गया। इसमें देखो, इसमें तुमको बाउंड्री पॉइंट्स भी चेक करने पड़ते हैं। इसमें तुमको ए बी पे कुछ नहीं चेक करना क्योंकि ए बी पे तो वैल्यू नहीं मिल रही, लेकिन यहां पे मिल रही है तो इसको भी चेक करना पड़ेगा अलग से। तो यहां पे ये तो होना ही चाहिए, ये वाला पॉइंट तो होना ही चाहिए। दूसरा भी पॉइंट एक है कि तुमको यहां पे राइट, यहां पे क्या करना पड़ेगा,